हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रेडीमेड टॉप में से किस तरीके से पैड्स को रिमूव करते हैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और साथ ही मैं आपको किस तरीके से हमें नए पैड्स को अटैच करना चाहिए ये भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काफ़ी सारी ड्रेसेस होती हैं बट उसमें पैड्स ख़राब होने की वजह से हम उसे वेयर नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी ट्रिक्स के साथ पैड्स को रिमूव करना और अटैच करना बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस और भी मैं आपके लिए लाती रहूंगी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रेडीमेड टॉप है। हम इसे इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पैड्स लगे हुए हैं, किस तरीके से अटैच्ड है। यहाँ पर कोई भी पैड्स की हमारे शेप नहीं आ रही है। अब हम इसे किस तरीके से रिमूव करेंगे मैं आपको बताती हूँ। वेस्ट राउंड एरिया की साइड जितनी भी सिलाई है, जिस पोर्शन में हमारे कप्स लगे हैं, उसी पोर्शन के एरिया को आपको ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सीम ओपनर की हेल्प से इतने पोर्शन को मैं ओपन कर लूँगी। इस तरीके से हम इसे ओपन करते जाएं। तो यहाँ मैंने इसके स्टिचेस यहाँ तक खोल ली हैं। सो गाइस, यहाँ मैंने सिलाई को ओपन कर लिया है। आपको पूरी कमर की सिलाई को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको सिर्फ इतने पोर्शन की ही सिलाई को ओपन करना है। यहाँ पर हमारा इंटरलॉक दिया हुआ है, इसे मैंने ओपन नहीं किया है अभी। आप देख सकते हैं ये इंटरलॉक वाला है एरिया। हमें इसको किस तरीके से ओपन करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिजर की हेल्प से इंटरलॉक को ओपन करने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से इसके सिर्फ थ्रेड्स के कॉर्नर्स को कट करना है हमें। यहाँ मैं इस तरीके से बस के कॉर्नर्स को कट कर दूंगी। पूरा फैब्रिक नहीं कटना चाहिए हमारा, बिल्कुल कॉर्नर से हम जहाँ पर इंटरलॉक के थ्रेड्स आ रखे हैं सिर्फ उतना उतना ही पोर्शन हमें कट करना है। और यहाँ से हमने इतने एरियाज को खोल दिया है इंटरलॉक से, ये देखिए आप। तो यहाँ हम सिर्फ उतने पोर्शन तक, जहाँ तक हमने सिलाई को ओपन किया है उतना ही हम इसके इंटरलॉक को कट कर लेंगे। तो ये हमें बहुत ही केयरफुली करना है, ड्रेस के फैब्रिक पे कोई कट नहीं लग जाए। तो यहाँ मैंने इतने पोर्शन तक सिलाई को खोल दिया है। थोड़ी बहुत सिलाई हमारी यहाँ पर इंटरलॉक की रह गई है। तो यहाँ से आप एक धागे को निकाल कर इसको इस तरीके से आप खींच देंगे तो ये इंटरलॉक की सिलाई हमारी ओपन हो जाएगी। कप्स तक के पोर्शन को ही ओपन करना है, बट कप से हल्का सा हमें ज़्यादा ही सिलाई को ओपन करना है ताकि हमें न्यू पैड्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पैड्स को अटैच करा गया है। इस तरीके से मैंने इन दोनों कप्स को निकाल लिया है। सो गाइस, मैंने आपको कप्स को रिमूव करना तो आपको बता दिया है, अब मैं आपको न्यू पैड्स लगाना बताऊंगी जो हमारे रेडीमेड ड्रेसेस में पैड्स लगे हुए आते हैं उनमें, और जो हम खुद से परचेज करके आते हैं उनमें कितना डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पैड्स में टॉप हमारी लुक बहुत ही गंदी देगा, इसीलिए इसमें हमें न्यू पैड्स लगाने की नीड होती है। इसे जॉइंट कर देना है इतने पार्ट को जितना हमने इसे ओपन करा था, ताकि हमारे कप्स जो हैं वो आसानी से अटैच हो पाए। तो सबसे पहले मैं इसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं इस पोर्शन को मैंने स्टिच कर लिया है, इस लाइनिंग एरिया को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि हमें इसके अंदर कप्स को अटैच करना है। अस्तर को इस तरीके से बाहर की ओर रख देंगे ताकि हम कप्स के लिए जो सेंटर पॉइंट है वो प्रॉपरली मार्क कर सकें। बर्स्ट टू वेस्ट लेंथ, जितना भी हमारा ये एरिया है बर्स्ट टू वेस्ट लेंथ हमें इसे मेजर करना है। जो टोटल लेंथ आ रही है वो 6 इंचेस आ रही है, यहाँ हम 3 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे।
हमें जो बर्स्ट की विड्थ है, चौड़ाई है, वो हमें 7 inches रेडी चाहिए। तो यहाँ मैंने बर्स्ट टू वेस्ट लेंथ को हाफ कर लिया है। हाफ करने के बाद हमने 3.5 पर यहाँ मार्क करा और 3.5 पर यहाँ, तो यहाँ हमारा 7 inches रेडी आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको अटैच करना। सबसे पहले हम कप्स का सेंटर पॉइंट बनाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हम एक यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे। ऑल पिन की मदद से हम इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट पर ऑल पिन को बाहर की ओर लेकर आना है, इस तरीके से। अब हम अस्तर को इस तरीके से पकड़ेंगे पीछे की ओर, जो है अस्तर अटैच नहीं होना चाहिए हमारा कप से। जो हमने बर्स्ट का मिड पॉइंट बनाया है, इस पर हमें इस तरीके से पिन को निकाल देना है। इस तरीके से हम पिन अप कर देंगे कप्स के साथ, ताकि हमारे जो कप्स हैं वो सेंटर पॉइंट पे रहें। यहाँ मैंने पूरे राउंड पे पिन अप कर दिया है, इसको अटैच कर दिया है। ये हमारा कप यहाँ पर सेट हो चुका है अभी। अब हम दूसरे कप को भी साथ ही रख कर पिन अप कर लेंगे। सो गाइस, ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से पैड्स लगाना बता रही हूँ। अब तो आप डायरेक्ट मशीन भी चला सकते हो, बट डायरेक्ट मशीन में बहुत बार ऐसा होता है आपके कप्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपको फिर पूरी सिलाई खोलनी पड़ती है और फिर आपको अटैच करना पड़ता है, तो उससे हमारी ड्रेस में बहुत ही लुक ख़राब हो जाती है बार बार सिलाई ओपन करने से और लगाने से। ये जो सेंटर पॉइंट पे जो हमने ये वाली पिन्स लगाई थी, अब हम इस पिन्स को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम उसको हमने पिन अप कर दिया है। अब हम टॉप को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ मैंने बिल्कुल मिड पर रखा है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा मिड पॉइंट पर है। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। अब मैं यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से कप को अटैच करने वाली हूँ। यहाँ मैंने कप को सेंटर से कच्चा करने के लिए ब्लैक थ्रेड लिया है, ताकि हम बाद में इसे आसानी से निकाल पाएं। इसी तरीके से हम दूसरे पैड को भी अटैच कर लेंगे सेंटर से। दोनों पर कच्ची सिलाई देकर अटैच कर लिया है। जो हमने सेंटर में पिन लगाई है, अब हम इसे हटा देंगे। अब हम कप्स को कवर कर देंगे लाइनिंग से। सो गाइस, अब हम सुई धागे की हेल्प से प्रॉपरली इसे अटैच करेंगे। यहाँ मैंने मैचिंग का थ्रेड ले लिया है, जो हमारी लाइनिंग से मैच करता है। हमें मैचिंग का ही थ्रेड यूज़ करना होगा। इस तरीके से हमें कप्स को होल्ड करना है। इसमें हमारी नीचे वाली ड्रेस नहीं अटैच होनी चाहिए। अब हम कप्स को सेंटर और साइड से पिन अप कर देंगे। अच्छे से पिन अप करेंगे, ताकि हमारी जो लाइनिंग है वो प्रॉपरली सेट बैठ जाए। यहाँ हमने कप को हमने पिन अप कर लिया है, अब हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ हम मशीन की हेल्प से स्टिच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें बैक स्टिच देनी है इसमें, नॉर्मल स्टिच नहीं करनी है हमें। हमें बैक स्टिच देते हुए इसी बात का ध्यान देना है कि इसमें मेन फैब्रिक नहीं आना चाहिए, हमें इसमें सिर्फ लाइनिंग और कप्स को स्टिच करना है। सो गाइस, यहाँ हमने दोनों कप्स को प्रॉपरली स्टिच कर लिया है, और ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से और कितनी फिनिशिंग से हमारे कप्स लगे हैं। हमने बिल्कुल कॉर्नर पे बैक स्टिच दी है और कितनी फिनिशिंग आई है हमारे कप्स में। इसमें जो हमने पिन्स को अटैच किया था, इसे हम निकाल देंगे। अब जो हमने फ्रंट में पिन्स लगाई थी, उसे भी हम निकाल देंगे। जितनी भी पिन्स थी वो हमने निकाल दी हैं। जो हमने ब्लैक कलर के थ्रेड से कच्चा किया है, उसे अभी हमें नहीं खोलना है। अब हम टॉप को सेंटर से पकड़ते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पूरा स्टिच कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पूरी कमर को प्रॉपरली स्टिच कर लिया है। अब जो हमने कप्स को सेट करने के लिए डिफरेंट थ्रेड से कच्ची सिलाई करी थी, उसे भी खोल लेंगे। सो गाइस, यहाँ हमारे कप्स लगकर रेडी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसी और यूज़फुल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, बाय।